नमस्कार। आगे बढ़ते हैं, पाठ संख्या 205 की बात कर लेते हैं। क्रम टूटना नहीं चाहिए, यही निवेदन करते हैं, तब हम यहाँ से आपको ज्योतिष सिखा देंगे। आज भी मेष लगन की बात होगी और हम लोग 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें में मंगल स्थित होकर के क्या परिणाम देता, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब लग्नेश मंगल यदि 9वें स्थान में हो, कितना अच्छा हो गया, स्थिति देखिए कितनी अच्छी हो गई। तो लग्न से संबंधित सारे फल अच्छे कह दीजिए, शरीर से सुदृढ़ होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, धनवान होंगे, सुखी होंगे, सांसारिक सुखों को भोगने वाले होंगे, सब सही, सूरवीर होंगे, पराक्रमी होंगे, बलवान होंगे, सब सही। लेकिन मंगल 9वें स्थित है तो 9वें से संबंधित फल की हानि किस क्षेत्र में करेंगे, सजीव के क्षेत्र में। पिता के साथ मतभेद संभव है। अपने गुरुजनों के ऊपर हम कितना विश्वास करेंगे, इसमें संदेह है। धर्म को हम तर्क से ही समझेंगे, यही सच होगा। अब इसकी दृष्टि चौथी पड़ गई आपके ద్వాదश स्थान के ऊपर, अच्छा ही है। 7वीं दृष्टि से देखिए, 3रे स्थान को देख रहे हैं तो यहाँ छोटे भाई बंधु के लिए अच्छा नहीं, नौकर चाकर के लिए अच्छा नहीं, खेल कूद में हमेशा चोटिल होते रहेंगे, कला के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब यदि मंगल की ये दृष्टि 8वीं पहुंचती है सुख स्थान के ऊपर, जब वो 8वें भाव को देखता है, तो सुख की भी थोड़ी बहुत हानि जरूर करेंगे। और सुख की हानि करें या ना करें, क्योंकि ये त्रिकोण स्थिति मंगल के सारे अच्छे गुणों को बढ़ा देता है, लेकिन यहाँ माता से संबंधित प्रश्नों, कोई भी प्रश्न हो, माता बीमार हो, माता को ब्लड प्रेशर की परेशानी हो, माता से हम दूर रहें, माता से मतभेद हो, इसकी संभावना संभव है। आगे बढ़िए, मंगल यदि 10वें स्थान में, तो हमने क्या कहा था कि काल पुरुष की पत्रिका में, और मेष लगन की पत्रिका ही काल पुरुष की होती है, तो 10वें स्थान में यदि हैं तो अपने उच्च के स्थित है, तो कर्मठ होंगे, परिश्रमी होंगे, कर्म के क्षेत्र में, करियर में बहुत ऊंचाई तक जाने वाले होंगे। अब ये रोचक महापुरुष योग भी बना जाता है, तो ऐसे जातक उच्च पदस्थ होंगे, सेना में होंगे तो लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल होंगे, ये समझना है। पुलिस विभाग में हो तो कोतवाल होंगे, एसपी होंगे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो तो बड़े पदाधिकारी होंगे, ऐसा कहना है। अब यहाँ लग्न को देख रहे हैं तो मन से भी बहुत बुलंद और कर्म से भी बहुत बुलंद, तो ऐसे जातक को क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन ये जब माता स्थान को देखेंगे तो वहाँ पे कुछ न कुछ परेशानी होगी, लेकिन सुख की चिंता नहीं। इतने कर्मठ लोगों को सुख की चिंता क्यों होती है? इसीलिए ऐसे ही जातक के लिए कभी कभी हम जैसे ज्योतिष क्या करते हैं, अपने मन से बनाते हैं कि मंगल 4th स्थान को देखेगा तो गाड़ी, अरे गाड़ी, वाहन, भूमि, मकान तो हमारे काम से मिलता है, ये हम जानते हैं। लेकिन 4थे को दृष्टि देंगे तो यहाँ से जिस सजीव की बात करेंगे, अर्थात माता की बात करेंगे, खेत खलियान में हम यदि जानवरों की बात करते हैं, चौपाया पालतू पशु की बात करते हैं, तो ये मंगल उसका नुकसान करेगा। आप देखिए, सुख समृद्धि तो हम इतने बलवान है, हमारा कर्म इतना बली है, सुख समृद्धि तो हम खरीद लाएंगे, लेकिन जो आप नहीं खरीद सकते, माता का प्रेम, माता का सुख, वो वहाँ पीड़ा देगा ही देगा। अब 8वीं से ये मंगल 8वें स्थान जब देखेंगे तो 5म स्थान को देख लेंगे, और जब 5म स्थान को देखेंगे तो ऐसे जातक बुद्धिमान है, विवेकी है, लग्न से ये सब पता चलता है, तो विद्वान भी होंगे। लेकिन 5म को जब देखेंगे, संतान सुख में परेशानी हो सकती है, संतान में परेशानी हमको प्राप्त हो सकता है। तो ये है सुविधानुसार हम अपने दृष्टि को समझना। अब मित्र के घर को देखते हैं तो बहुत नुकसान क्या करेंगे, तात्कालिक शुभता कुछ आई है तो अपने फल की वृद्धि कर लेंगे, तो उसी से हम शुभ फल ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे, तो थोड़े बहुत अशुभ कर रहे हैं तो दिख नहीं रहा हमें। लेकिन हमेशा हम कहेंगे कि जब तक आप अशुभ ग्रहों की दृष्टियों को अशुभ नहीं मानेंगे तो सूक्ष्मता से प्राप्त होने वाले रिजल्ट आप कभी नहीं देख पाएंगे, न कभी किसी को बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मंगल यदि एकादश में हो तो एकादश स्थान में तो कोई भी ग्रह जाएगा तो सभी के कारकत्वों की वृद्धि हो जाएगी। उसी क्रम में लगने से तो ऐसे जातक कहते ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट होना, लगने से एकादश में हो तो ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं होना चाहिए, अति विश्वास में जीना नहीं होना चाहिए, ये एक नुकसान हो जाएगा। लेकिन मंगल के सारे कारकत्वों की वृद्धि होगी, ऐसे जातक पराक्रमी होंगे, सूरवीर होंगे, निर्भीक होंगे, निडर होंगे, बल के साथ काम करना पसंद करेंगे, थकना नहीं जानेंगे, ये सब इनके गुण हो जाएंगे। अब इनकी दृष्टियां पड़ती हैं धन स्थान के ऊपर, तो धन को भी उसी दो हाथ उलीजिए यही सयानो काम, तो दानी भी होंगे ये, और दान करके भी अपना धन खर्च कर लेंगे। आगे देख लेते हैं कि ये पंचम को देख रहे हैं तो संतान से संबंधित परेशानी के अलावा और कोई परेशानी नहीं होगी, यही हम मान के चलते हैं। और छठे स्थान को देखेंगे तो शत्रु का हनन करेंगे, ऋण आदि लेंगे तो ऋण का चुकता करेंगे, रोग होगा तो रोग समाप्त होगा, ये हम लोग कहेंगे। चलिए अब 12वें स्थान में मंगल की स्थिति, 12वें, 8वें, 12वें, अपने राशि का हो छोड़ करके किसी भी राशि का हो, वो मित्र का राशि हो, शत्रु का राशि हो, पहले तो अपने कारकत्वों की हानि करते हैं तो ऐसे जातक शरीर से कमजोर हो सकते हैं। क्योंकि मंगल जब बल देता है तो बल का क्षय हो गया 12वें में जाने से, तो शरीर से कमजोर, मन से कमजोर, हिम्मत की कमी, डरपोक, अपव्ययी, ऐसा बोल सकते हैं 12वें में मंगल। अब यहाँ से देख लीजिए चतुर्थ स्थान मतलब तीसरे को देखते हैं तो भाई की कमी, छठे को देखेंगे तो ठीक है शत्रुहंता होंगे, और 7वें स्थान को देख लेंगे, 8वें भाव जब देखेंगे ये तो 7वें स्थान को देखेंगे तो पत्नी के साथ विवाद, पत्नी के साथ मतैक्य, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े, इसकी संभावना होती है। तो मंगल को समझना पहले, फिर मंगल किस स्थान का स्वामी है उसको समझना, फिर मंगल के क्या गुण स्वरूप है इसको जानना, तब मंगल किस भाव में है और किस भाव के ऊपर दृष्टि रखता है, इसके आधार पर शुभाशुभ फल को कहना ही उचित है। हम उम्मीद करते हैं पाठ बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आता होगा। नहीं समझ में आता है तो अभी के अभी फ़ोन कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं है, कभी भी फ़ोन आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं और कोई संकोच न रखिए। संकोच रखेंगे तो समाधान नहीं मिलेगा। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।